वाले हैं, एमटी के बारे में समझने वाले हैं। एमटी पूरा नाम होता है एंड्रॉइड मल्टी टूल। सबसे पहली बात है एंड्रॉइड मल्टी टूल जो है ये हमारे इंडिया के जो डेवलपर है उन लोगों ने इसको बनाया हुआ है। पहली बात ये है, आप देख सकते हैं कि इंडिया का अपना एक पहला टूल है जिसने मोबाइल फोन लॉक खोलने के लिए बनाया हुआ है। इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन का अनलॉकिंग कर सकते हैं या मोबाइल फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर संबंधित जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे काम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इस टूल का पूरा नाम क्या होता है, एंड्रॉयड मल्टी टूल। और ये टूल जो होता है ये हमारा ऑनलाइन वर्क करता है। ऑनलाइन वर्क करने का मतलब होता है ये आईडी पासवर्ड पे चलता है। किस पे चलता है? आईडी पासवर्ड चलता है। जो एंड्रॉयड मल्टी टूल होता है इसको जितने भी सारे लोग अगर लेना चाहते हैं तो इसको 3 महीने की सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं या 12 महीने की सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। पहली बात है क्या, ये टूल थोड़ा सस्ता है, चीप एंड बेस्ट भी है। क्या अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो ये आपको 1100 रुपए का मिलता है, 6 महीने का लेते हैं तो ये आपको 2000 रुपए का मिलता है, और अगर 3 महीने 1 साल का लेते हैं तो ये समथिंग 3000 रुपए का आता है। और इसके माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन से लॉक खोल सकते हैं। इस टूल को चालू कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात टूल को यूज कैसे करना है। टूल को यूज करने के लिए आपको गूगल पर जाना पड़ता है, गूगल पर लिखना होता है EMT डाउनलोड। अब उसके बाद आपको क्या कर लेना होता है, ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो इसमें ये करना होता है आईडी क्रिएट करना पड़ता है। जब आईडी क्रिएट करते हैं तो इसी आईडी पे आपको एक्टिवेशन मिलता है। अच्छा, इसमें एक्टिवेशन कैसे मिलता है, जब आप इसमें आईडी का एक्टिवेशन लेते हैं तो आईडी एक्टिवेशन 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए मिलता है। इसमें से जब आप 1100 रुपए 2000 3000 रुपए जब ऑनलाइन जो बंदा आपको प्रोवाइड करता है ये आप अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे परचेज भी कर सकते हैं। तो ये 1100 2000 3000 का जो टूल ये मिलता है तो इसमें से आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं। जैसे आपने 3 महीने का लेंगे तो 3 महीने के अंदर आपको जो क्रेडिट मिलेंगे वो 10 क्रेडिट मिलेंगे। जो 6 महीने के लेंगे तो उसके लिए आपको 20 क्रेडिट मिलते हैं। 1 साल के लिए लेते हैं तो उसके लिए आपको 40 क्रेडिट मिलते हैं। कुछ मोबाइल फोन ऐसे हैं जो क्रेडिट के माध्यम से लॉक खुल जाते हैं तो वो उसमें से क्रेडिट खर्चा करके आप उसको भी लॉक खोल सकते हैं, या जो मोबाइल फोन ऐसे खुल जाते हैं उनको आप ऐसे खोल सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने 3 महीने का सर्विस पैक लिया है, 1100 रुपए खर्चा किया तो सिर्फ 3 महीने ही चलेगा। आपके क्रेडिट रहे या ना रहे वो ऑटोमेटिक फुल बंद हो जाएगा। फिर बोलेगा रिचार्ज कराओ, फिर एक्टिवेशन कराओ, फिर उसको पैसा दोगे तभी वो सॉफ्टवेयर खुलेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर को नहीं खुलेगा। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरा समझते हैं और इसके माध्यम से मोबाइल फोन कैसे खोले जाएंगे। और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको EMT को यूज करने का तरीका सिखाता हूँ। EMT को यूज कैसे किया जाता है, EMT के माध्यम से जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन को कैसे लॉक खोलेंगे, मतलब उसको लॉक रिपेयर करने का तरीका क्या होता है या कैसे आप फॉरमेट करेंगे वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसके माध्यम से आप हवाई, ओप्पो, वीवो, रियलमी, टेक्नोलावा, कार्बन, इंटेक, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, रियलमी सभी तरह के मोबाइल फोन को अनलॉकिंग कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, उनको FRP हटा सकते हैं, उसमें से MI अकाउंट हटा सकते हैं। हमारे पास अगर लॉक खोलने के लिए देखा जाए तो लॉक खोलने के लिए सिर्फ 2-3 ही काम आते हैं, चौथा काम कुछ है ही नहीं जो आएगा। पहली बार तो एक आता है अनलॉक करने के लिए, अनलॉक का मतलब होता है पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगर, फेस, ये सब अनलॉकिंग बोलते हैं। दूसरा काम होता है FRP, तीसरा काम होता है MI अकाउंट। ये 3 ही काम आते हैं मार्केट में अनलॉकिंग करने के लिए। इन्हीं को फोन दे दीजिए बस आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो गया, मोबाइल फोन आपका ठीक हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि इस टूल को हम लोग यूज कैसे करते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात आपको अपने सिस्टम पे जाना पड़ेगा। सिस्टम पे मैं सबसे पहली बार सिस्टम से कनेक्ट होता हूँ। आप
आपको क्या करना है, आपको गूगल पे खोलना है। गूगल में सीधी सी बात है, आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है। सबसे पहले क्या सर्च करना है, AMQ टूल डाउनलोड दिखाई दे रहा है ना उस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको जाके लिखना है AMQ मल्टी टूल डाउनलोड। जैसे AMQ मल्टी टूल डाउनलोड पर जाते हैं तो डाउनलोड करने के लिए आपके स्क्रीन के अंदर ये इतनी सारी हमारी वेबसाइट खुल जाती है। क्या खुल जाती है, वेबसाइट खुल जाती है। आप सबसे पहली जो वेबसाइट होती है, सबसे पहली वेबसाइट में जब आप चले जाते हैं तो ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो होता है हमारी स्क्रीन पर खुल करके आ जाता है। जैसे वेबसाइट सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पर खुल जाता है तो इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन को पहले इसके सॉफ्टवेयर सेटअप को क्या करेंगे दोस्तों, डाउनलोड करेंगे। जब आप इसके सॉफ्टवेयर सेटअप को डाउनलोड करेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। आप देखिए इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है, फिर से आप बैक करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। हम लोग दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं, यहाँ पर AMQ टूल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। जब आप डाउनलोड पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन में क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे आप डाउनलोड पे जाएंगे तो देखो मैंने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर रखा हुआ है एंड्रॉयड मल्टी टूल वर्जन 1.2.7.9.8। इसको क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पर बस उसको कॉपी करके आपको अपने स्क्रीन में क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। जैसे स्क्रीन में पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको एक आइकन बन गया जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आइकन बन गया एंड्रॉयड मल्टी टूल। अब इस एंड्रॉयड मल्टी टूल को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करते ही सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, क्लोज हो जाएगा। जैसे आप एंड्रॉइड मल्टी टूल ओपन करेंगे, ये सॉफ्टवेयर होता है अनलॉक टूल की तरह ही काम करता है। जैसे अनलॉक टूल काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करता है। सॉफ्टवेयर खुलेगा तो आपको आईडी पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आईडी नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन पे चले जाइए, आईडी आप बना लीजिए। और अगर आपने लॉगिन बना लिया है तो फिर अपनी लॉगिन आईडी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी को डालता हूँ और लॉगिन आईडी डालने के बाद फिर मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये लॉगिन आईडी आपकी जीमेल होती है, आपके जीमेल के माध्यम से आप उसको बना सकते हैं। मैं इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको डाला था कि आईडी को आप इसके अंदर क्रिएट कैसे करते हैं। ये आपने आईडी डाल दिया, आईडी डालने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही ये सॉफ्टवेयर हमारा स्क्रीन में खुल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर बड़ा इजी, बहुत इजी भी में आप इसको यूज कर सकते हैं।
इसके माध्यम से जो भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में लॉक खोल सकते हैं और लॉक तोड़ सकते हैं, मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, सभी जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें से मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने का तरीका क्या होता है, कैसे आप लॉक तोड़ेंगे, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, डिवाइस लिस्ट में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, डिवाइस लिस्ट में जाएंगे। जब डिवाइस लिस्ट में चले जाएंगे तो डिवाइस लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर हवाई, इन्फिनिक्स, इंटेल, जियो, कार्बन, लावा, लिनेवो, माइक्रोमैक्स, मोटोरोला, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, जेटी, इतने सारे मॉडल हैं, सारे मॉडल इसके अंदर आ रहे हैं। अगर मान लिया मेरे पास कोई मोबाइल फोन आता है, मान लिया हवाई कंपनी का मोबाइल फोन आता है, और हवाई कंपनी का मोबाइल फोन का यदि हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हवाई सेलेक्ट कर लेंगे। जब हवाई सेलेक्ट कर लेंगे तो हवाई के बाद हमारे पास मॉडल कौन सा है, हवाई का जो भी मॉडल आता है जैसे होंडा 8C, होंडा 10C, जो भी मॉडल आते हैं आप उस मॉडल को क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से मॉडल ले लिया तो मॉडल लेने के बाद आप उसमें क्या करना चाहते हो, अगर आप उसमें से जैसे जो मॉडल आता है मॉडल सेलेक्ट किया, अगर आप उस मोबाइल फोन में से फैक्ट्री रिसेट करना चाहते हो तो आपको फोन को क्या करना है, कनेक्ट कराना है। अगर क्वालिकॉम होगा तो एडीएल से कनेक्ट होगा, मीडियाटेक होगा तो प्लस माइनस सेफ पोर्ट से बनाएगा। आपको सीधे से क्या करना है, यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट है फाइल भी करना है। ऐसे जैसे फैक्ट्री रिसेट है फाइल भी करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपका चालू हो जाएगा। बस आपको सिंपल सी बात है, प्लस माइनस डाटा केबल लगा के मोबाइल फोन लगा देना है। जैसे मोबाइल फोन लगा देंगे तो आपका मोबाइल फोन में यहाँ पर सॉफ्टवेयर कट 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 चलेगा और आपके मोबाइल फोन लॉक हो जाएगा। जितने भी सारे टूल होते हैं सारे टूल का काम करने का तरीका सबको फॉर्मेट वही होता है। आपको क्या करना है, फॉर्मेट करना है, फार्पी करना है, जो भी करना है सब वहीं पर आता है। सब वहीं पर सारे ऑप्शन इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है वो मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी का आता है तो ओप्पो में चले जाएंगे। ओप्पो का जो भी मॉडल आता है वो इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आपको मॉडल नहीं पता तो यहाँ जाकर मॉडल को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ओप्पो A16 के मोबाइल फोन आ गया, ओप्पो A17 आ गया, A12, A15, जो भी मॉडल आता है आप यहाँ से जहाँ चले जाइए, यहाँ से जो उससे ओप्पो A3 बहुत शॉर्ट मॉडल है वो सब इसके अंदर आ चुका है, आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे मॉडल ले लेंगे फोन का, मॉडल ले लिया, मॉडल लेने के बाद ऑटोमेटिक फॉर्मेट एडवांस हो जाते हैं। अगर मान लिया हमारे पास वो मोबाइल फोन आया उस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ना है तो लॉक तोड़ने के लिए यहाँ पर देखो फैक्ट्री रिसेट करना है, फार्पी दोनों हो जाएंगे। अब फैक्ट्री रिसेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, खाली रिसेट होगा, फॉर्मेट होगा, लेकिन फार्पी नहीं हटेगा। और खाली फार्पी तोड़ना है तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अगर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये दोनों को कंबाइन करके दिया हुआ है। अगर आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर लीजिए, एक साथ करना है तो एक क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से आप मोबाइल फोन को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। मोबाइल फोन आ गया तो फैक्ट्री रिसेट करना, जैसे फैक्ट्री रिसेट करेंगे तो फैक्ट्री रिसेट करते ही आपको सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। अब आपको प्लस माइनस दबा के डाटा केबल क्या करना है, लगा देना है। जैसे प्लस माइनस सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस, सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस, यहाँ पर सर्चिंग फॉर यूएसबी डिवाइस लिख कर गया तो हम लोग प्लस माइनस दबा के जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए क्या करें, क्वालिकॉम एसएस काम 3, तो क्वालिकॉम का मोबाइल फोन था तो यहाँ पर क्वालिकॉम लिख के आएगा, फिर आगे का सॉफ्टवेयर खट 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 चलता हुआ चला जाएगा, नीचे लिख के आएगा फॉर्मेट रीसेट फॉर्मेट 1। हाँ बिल्कुल एडिट नहीं, अब मान लो कुछ मोबाइल फोन प्लस माइनस से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, एडीएल से कनेक्ट हो जाए, दोनों से ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा जिसको गूगल में देख सकते हो, जिसका एडीएल होगा उसी से कनेक्ट होगा, जिसको एडीएल नहीं होगा उससे कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर से यदि तुम्हारे पास मोबाइल फोन सैमसंग का मोबाइल फोन आता है सैमसंग को चले जाएगी, सैमसंग का मोबाइल फोन रीसेट करने के लिए सैमसंग A03 कोड ले लिया। अब मान लिया उस मोबाइल फोन में फाइल भी लगी होती रीसेट फाइल करेंगे जी, जियो का, जियो का अब जियो को करना है। अच्छा
सारा सब तो दिया गया मॉडल के हिसाब से या ओप्पो जियो सैमसंग जो भी मॉडल आते हैं आप मॉडल यहाँ से ले लो और इसके माध्यम से आप फाइल अपने गिम्मी रोम वेबसाइट से ही डाउनलोड करेगा।
और इससे क्या होगा, उसको ट्रस्टेड सही फाइल मिलेगा, गलत फाइल होगा ही, ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड होगा, लैप पर क्लिक कर दो तो वो सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, मतलब वन क्लिक में एक ही सॉफ्टवेयर एक ही सेटअप में सारा काम हो जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है, अभी है बढ़िया एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉर्मल टूल बनेगा और मोबाइल।